नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। आप लोग मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ट्रैवल विद राहुल शिव। दोस्तों आज का वीडियो मैं आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जो है दोस्तों डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको कि दोस्तों देखिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं अच्छा जीवन जो है व्यतीत करने के लिए, बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन होता कुछ उसकी और है, जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं होता। दोस्तों आप लोगों ने मेरे इतने वीडियो देखा होगा, मैं कई जगह जाता हूँ, यूट्यूब के इवेंट अटेंड करता हूँ, कई बार यात्राएं करता हूँ शिवानी के साथ, 80% हम लोग साथ ही में जो यात्रा करते हैं, 20% इधर उधर अकेले भी मुझे जाना पड़ता है। तो जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाता हूँ, मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाता हूँ, ना शिवानी जो है ना हम लोग जो दोनों ही नहीं जा रहे हैं, ना जाते हैं ना जाएंगे। उसका कारण दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप जो है क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण है, और कई लोग को मैं ये बात का जवाब भी देना चाहता हूं। दोस्तों देखिए जो लोग ऐसा पूछ रहे हैं, जो लोग ऐसा जो सवाल पूछते हैं कि मैं क्यों नहीं अपने ससुराल जाता हूं, तो उनके लिए मेरा जवाब है, देखिए दोस्तों कहीं भी अगर जहाँ आपकी इज्जत ना हो, जहाँ आपकी फैमिली की इज्जत ना हो, आपकी बीवी बच्चे की इज्जत ना हो, वहाँ आप कैसे जाएंगे, वहाँ आप कैसे जाएंगे, आप खुद ही बताइए। दोस्तों जब मेरा शादी हुआ तो मुझे इतना जानकारी नहीं था। देखिए सब कुछ हम लोग नहीं जानते, सब चीज़ हम अंतर्यामी तो है नहीं, कोई भगवान तो है नहीं हम लोग, तो दोस्तों इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन समय के हिसाब से जब मैंने लोगों को समझा परखा तो पाया कि अब देखिए मेरी वाइफ जो है ये फिजिकली मतलब थोड़ी सी जो है स्पेशल है। कैसे स्पेशल है, इसको हियरिंग स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, इसको हियरिंग स्पीकिंग ओनली 35% ही पावर है। और दोस्तों इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी हम लोग एक हुए, हमारी शादी हुई, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब मैंने ऐसी कुछ बातें सुनी जो बातें मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं है, तो कोई भी दोस्तों कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान होगा ना, वो ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं बनाना चाहेगा जो सही ना हो। और मैं अपने परिवार के संग बहुत खुश हूँ, मुझे जो है किसी भी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जिसका जो मेरी अच्छी खासी जिंदगी को जो बर्बाद कर सकता है, जो मेरी अच्छी खासी जीवन में जो है गलत बातें खोल सकता है। इसीलिए हम बहुत खुश हैं और हमें जो है किसी भी कोई भी गलत इंसान की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। दोस्तों देखो इतनी कठिनाइयों के बाद भी जब लोग आपकी, दोस्तों देखिए एक बात मैंने आज के दौर में देखी है कि आजकल आप अपना किसी को कलेजा भी निकाल के दे दोगे ना, लेकिन कोई आपका जो कोई भी बलिदान, आपका किया हुआ कार्य कोई भी आपको सराहेगा नहीं, उल्टा आपके ऊपर आदमी शक करेगा, आपकी निंदा करेगा, आपको नीचा दिखाएगा। वही मेरे साथ हुआ, मेरे को लोगों ने बहुत जो है हीन दृष्टि से देखा, बहुत नीचा दिखाया, मुझे किसी कूड़े कचरे की तरह समझा गया, मुझे और मेरी वाइफ को भी। इसलिए दोस्तों जहाँ आपको ऐसा समझा जाए तो बताओ कौन ऐसी जगह जाना चाहेगा। तो इसीलिए हम खुश हैं, अपनी फैमिली अपने साथ बहुत खुश हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में पर्याप्त हैं। और जहाँ आपके परिवार का मान सम्मान इज्जत ना हो, वो जगह जगह नहीं होती है, वो परिवार परिवार नहीं माना जाता है। इसलिए दोस्तों हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जीवन में कभी भी किसी को अपने ना कोई राज बताएं, ना अपनी अपनी जो मन की बात किसी को नहीं बताएं दोस्तों, क्योंकि कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है सिवाय आपके माँ बाप के, वो भी सही है तब, नहीं तो नहीं है तो वो भी। और दोस्तों मैं बता दूं कि लोग जीवन में कभी आपकी अच्छाई को नहीं नहीं आपको, आप किसी के लिए कितना भी जो बलिदान देंगे ना, लोग आपका कोई नहीं समझता आपका बलिदान। मैंने ये बात को अच्छी तरह से जो है गौर किया है, मैंने लोगों के लिए बहुत बलिदान किया, लेकिन लोगों ने केवल मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है, मेरी वाइफ की अच्छाई का फायदा उठाया गया है। और इसीलिए मैंने दोस्तों सबका त्याग कर दिया,
मैंने शिवानी ने दोनों ने, हम खुश हैं, हम खुश हैं ऐसे इंसान का त्याग करने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे अपनी अपनी अपने घर की, अपने वाइफ की, सभी अपने बच्चे की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे परिवार को, मेरे को जो है गलत बोले, मेरे परिवार पे कोई उंगली उठाए, मेरे कोई गलत बोले। इसलिए ऐसे इंसान से मैं कोई भी हो, चाहे मेरा ससुराल हो, चाहे कोई भी हो, मैं ऐसे किसी भी इंसान से संपर्क नहीं रखना चाहता जो ना मेरे परिवार की, मेरी वाइफ की, जो मेरी इज्जत नहीं करता। मैं उसका कभी नहीं हो सकता दोस्तों, ना हम किसी के ना। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये भी बताऊंगा, एक चीज़ से अवगत कराऊंगा कि जीवन में कभी भी किसी के सामने ना मजबूत मत बनना। मजबूत बनोगे लोग आपकी आपका फायदा उठाएंगे, लोग सोचेंगे कि आप बहुत बड़े गर्जू हैं। दोस्तों मेरी अच्छाई का, मेरे सिर झुकाने का लोगों ने फायदा उठाया, लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा गर्जू है, बहुत बड़ा मतलब कि बेकार, हमको लोग जो बेकार समझते हैं, हमको बहुत बड़ा बेकार आदमी है। मैंने इससे मतलब सच्चा प्यार किया, सच्चा प्यार किया, मैंने इसको प्यार किया, तो मेरे प्यार का लोगों ने फायदा उठाया, मेरे प्यार को लोगों ने मजाक, मेरे प्यार को लोगों ने समझा कि ये आशिक है, पागल है, दीवाना है, इसको तो कोई फर्क नहीं है। तो यही दोस्तों मैं आप लोग से कहता हूँ कि कभी भी प्यार में पढ़ के किसी के सामने झुकना मत, है ना, क्योंकि किसी के सामने झुकने से हर आदमी आपको आपको जो है आपका सम्मान नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको जो है गर्जू समझते हैं, गर्जू मतलब कि आलतू फालतू जो होते हैं ना, जो और उनको जो कोई मान लो कि कोई जो सड़क पे आदमी भीख मांग रहा था, किसी ने किसी को भीख दे दिया, तो जैसे वो जो होता है कि हमारे सहारे कोई चल रहा है, लोग कोई ऐसे समझने लगते हैं, वो तो जीवन में कुछ जो कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों इसी सोच के कारण मैंने अपने जीवन का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है परिवार का, वो मैंने उसको त्याग दिया, क्योंकि मैं अपने परिवार का जो है बेइज्जती नहीं झेल सकता, लोग मेरे परिवार की बेइज्जती करें ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं अपने परिवार का बहुत मैं मेरे लिए दोस्तों अपने परिवार की इज्जत से बढ़ के और कुछ नहीं है, और जो मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकता मैं उससे 100 कोस जो है दूरी बना लेता हूँ। और एक बात याद रखिए, कभी भी मैं कभी भी किसी चीज़ का त्याग कर देता हूँ तो मैं हमेशा के लिए त्याग कर देता हूँ, और वही खूबी मेरी वाइफ में भी है, जब किसी को त्याग कर देती है तो सबको त्याग कर देती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग वो नहीं है कि किसी अपने फायदे के लिए किसी के आगे झुक जाए। ठीक है, तो मैं यही चीज बताऊंगा कि देखो मेरे लिए मान सम्मान इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, चाहे मैं गलत देखता हूँ, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उस चीज का त्याग कर देता हूँ। मैं हूँ, चाहे मेरी वाइफ है, चाहे मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी मेरे जैसा ही है। तो दोस्तों अपने परिवार की इज्जत करना, अपने परिवार का मान सम्मान का आदर करना, ये सभी आपका फर्ज है। कभी भी जीवन में प्यार करें, लेकिन किसी के आगे इतना मत झुक जाएं कि वो आदमी आपको मजबूर समझे, गर्जू समझे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जाता हूँ, हम लोग मतलब हम अपने जो घर क्यों नहीं जाते हैं। और दोस्तों मेरे को ज़िंदगी में हर जगह से जो है यही कठिनाई मिली कि मैं जो गलत चीज़ों का विरोध करता था, विरोध करते करते आज हम लोग अकेले हो गए, लेकिन अकेले रह के बहुत खुशी मिलती है। कम से कम कोई भी हो, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी, हमने किसी गलत चीज़ का साथ नहीं दिया, किसी गलत के हाँ में हाँ नहीं किया, ये इस बात का मुझे फ़ख्र है, भले आज हम अकेले ही क्यों ना है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का एंड करूँगा। शिवानी तुम भी कुछ बोलो, और शिवानी तो मेरा बहुत जो दिन भर देखभाल करती है, इसके जैसी बीवी पा के मैं धन्य हो गया। दोस्तों ये किसी देवी से कम नहीं है मेरे लिए, माँ बाप के जाने के बाद इसने मेरा बहुत ध्यान दिया जो शायद कोई नहीं रखता, मेरा बेटा जो मेरी जान है, मेरा सांस प्राण है, सब यही है, सब कुछ मेरा देखभाल यही करती है। भाई देखिए बाबू है क्या। दोस्तों मैं बता दूँ, शिवानी जैसी बीवी भगवान जो है हर जन्म में ऐसी मेरे को वाइफ मिले, शिवानी के रूप में ही मुझे हर जन्म में बीवी चाहिए भैया, हर जन्म में, एक जन्म जो सातों जन्म, एक दो तीन हमेशा शिवानी का ही साथ हो गया, सात जन्मों का हमारा साथ हो, आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों हम लोग आपके लिए बहुत प्यार से वीडियो बनाते हैं, आशा करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो देखेंगे तभी हमारा
हमारा कल्याण होगा। आप लोग वीडियो देखिए हमारे, हमें यही से सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग हमें फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए, जो हार्ट वाला ऑप्शन आता है वहां पे क्लिक करके आप हमें जो है फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे मेरा बच्चा, देखिए दोस्तों यही है, हम लोग अकेले हैं लेकिन खुश हैं, हम लोग जो किसी गलत का साथ नहीं है, हम लोग जो सत्य के साथ है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, सत्य अकेला ही रहता है हमेशा, सत्य का साथी कोई नहीं होता। इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सभी को प्रणाम, जय सियाराम। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, देखिए मेरे मन में किसी के लिए जो द्वेष नहीं है, ना शिवानी के मन में है, बस फर्क ये है कि मैं कभी गलत का साथ नहीं दे सकता, और जो गलत करता है मैं उसकी जिंदगी भर के नाता तोड़ लेता हूँ, मैं मेरा परिवार जब, और मेरे लिए मान सम्मान इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राम।